हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, डॉक्टर मनीला अपने ख्यालों में गुम थी। कॉलेज के दिन उनकी आंखों के सामने घूम रहे थे। वो सोच रही थी, क्यों रूठा हमसे बसंत, हमने तो दूर नीलांबर के इंद्रधनुष में प्यार के कुछ रंग भरने चाहे थे। जमाने की आंधी चली कुछ ऐसी, जिंदगी में हमेशा के लिए पतझड़ छा गया। डॉक्टर मनीला के आंखों के सामने कॉलेज के दिन घूम रहे थे। फिर बसंत आ गया। बसंत का ये मौसम डॉक्टर मनीला के दिल में एक अजीब सी हुक जगा देता है। कॉलेज के वो दिन आंखों के सामने घूम जाते हैं जो उनकी जिंदगी में बहार लेकर आए थे। दोस्तों, मनीला के लिए वो शहर भी अजनबी था और वहां के लोग भी। मनीला ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉन्वेंट स्कूल के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के बाद कॉलेज का को एजुकेशन वाला वातावरण उन्मुक्त महसूस होता था। वो अपने आप को फ्री महसूस कर रही थी, आजाद महसूस कर रही थी, पंछी की तरह। शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफें जरूर आईं, मुश्किलें जरूर आईं, लेकिन जल्दी ही मनीला ने नए माहौल में अपने आप को ढाल लिया और कई फ्रेंड्स भी बना लिए। दोस्तों, मनीला के मेडिकल कॉलेज में कल्चरल वीक का आयोजन होने वाला था। उसके एक क्लासमेट ने उससे कहा कि वो उसके साथ युगल गान प्रतियोगिता में हिस्सा ले। इस पे मनीला ने क्या जवाब दिया, बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, महिमा के मेडिकल कॉलेज में कल्चरल वीक का आयोजन होने वाला था। उसके एक क्लासमेट ने उससे उसके साथ युगल गान प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अनुरोध किया, लेकिन महिमा ने उससे साफ कह दिया कि उसे गीत संगीत सुनने का शौक तो बहुत है, लेकिन वो खुद अच्छा नहीं गाती, इसलिए वो कोई और पार्टनर चुन ले। लेकिन सिंगिंग कंपटीशन वाले दिन जब महिमा ने उस स्टूडेंट को, जब एक खूबसूरत स्टूडेंट के साथ स्टेज पे गाते देखा, तो न जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा, उसे ईर्ष्या का अनुभव हुआ। फिर तो वो भी डांस, नाटक, लेखन और कंपटीशंस में हिस्सा लेने लगी और इसके लिए कई पुरस्कार भी जीते। धीरे धीरे उसने उस लड़के से दोस्ती भी बढ़ा ली, उन दोनों में खूब पटने लगी। एक गहरे आकर्षण के मोहपाश में दोनों बंधते चले गए। ये बातें हो रही हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, महिमा और उस लड़के में खूब पटने लगी। एक गहरे आकर्षण के मोहपाश में दोनों बंधते चले गए। जूही चंपा और गुल मोहर से हरी भरी कॉलेज की बगिया उनकी मुलाकातों की खामोश गवाह बन गई। एक दूसरे के साथ के सिवा उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। साथ उठते बैठते, लड़ते झगड़ते, कब दोनों भावी जीवन के खूबसूरत ख्वाब देखने लगे उन्हें पता ही न चला। मगर ख्वाब देखते हुए शायद दोनों ये भूल गए कि उनके समाज में जाति पाति, वर्ग भेद बहुत गहरा बैठा हुआ है। दोस्तों, परिवार की रजामंदी तो दूर, उनके प्रेम पथ पे दुखों के कांटे बिछा दिए उनके परिवार वालों ने। दोस्तों, क्या महिमा और उसके साथी मुश्किलों का सामना कर पाए? लिस्निंग टू दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, परिवार की रजामंदी तो दूर, महिमा और उसके साथी के प्रेम पथ पे दुखों के कांटे बिछा दिए उनके परिवार वालों ने। जिंदगी भर अपने प्रियजनों से अलगाव झेलने का सामर्थ्य उनमें नहीं था, नहीं आर्थिक रूप से वो सक्षम थे कि समाज से दूर अपनी नई दुनिया बसा पाते। सच्चाई कठोर होती है और कठोर यथार्थ के दानव ने उनके ख्वाबों की दुनिया को नष्ट कर दिया। उनके ख्वाब अधूरे रह गए। महिमा का राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार होकर उससे ब्याहने नहीं आ पाया। आंसुओं का सागर महिमा के अंदर ही सूख गया। लेकिन महिमा ने एक फैसला किया,
जिंदगी भर अनमैरिड रहने का उसने फैसला कर लिया, जिंदगी भर कुंवारी रहने का उसने फैसला कर लिया, और उसके इस निश्चय को कोई डिगा नहीं पाया। आज महिमा कॉलेज के दिनों के बारे में सोच रही हैं। वो डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनका प्यार कहां है, कैसा है, और न ही उनमें हिम्मत है ये जानने की कि उनका प्यार कहां है और कैसा है। प्यार के गुलाबों की सुरभित पंखुड़ियां उनकी यादों की किताब के पन्नों के बीच आज भी दबी हुई हैं। कभी अनजाने में उनके पहले और आखिरी प्यार ने गीत गाते हुए जिंदगी की सच्चाई बयां कर दी थी। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। तुम्हारे चेहरे का नूर जाने कितने दिलों में मोहब्बत के अरमान जगाता है, तुम्हारे चेहरे का नूर जाने कितने दिलों में मोहब्बत के अरमान जगाता है, तुम्हारे होठों को छूकर हर लफ्ज भी खूबसूरत बन जाता है। आसमान से उतरी परी कहें तुम्हें या ख्वाबों की ताबीर, जो भी हो मगर बहुत खूबसूरत हो तुम। इस दिल से मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, स्टेशन पे खड़ी सिमरन बार बार घड़ी देख रही थी। उसका गला सूख रहा था, दिल की धड़कन तेज हो रही थी, तभी धड़ धड़ करती ट्रेन स्टेशन पे आ पहुंची। सिमरन ईगरली उत्सुकता से हर डिब्बे को ध्यान से देख रही थी कि किस डिब्बे से निखिल उतरेगा। इसी के साथ आंखों के आगे निखिल की एक धुंधली छाया सी घूम गई। लंबा चेहरा, घुंघराले घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग। निखिल को देखे एक युग बीत चला था। उस समय निखिल और सिमरन कॉलेज से एमए कर रहे थे इंग्लिश लिटरेचर में। निखिल के पिताजी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे और उसकी मां एक टीचर थी। उसकी एक छोटी बहन थी जो बहुत चंचल थी। निखिल खुले विचारों वाला और बहुत ही हेल्पफुल स्वभाव का लड़का था। एक बार ड्रामेटिक अंदाज से सिमरन की उससे मुलाकात हुई थी। हुआ यूं था दोस्तों कि एमए के एग्जाम्स चल रहे थे। सिमरन स्कूटी से कॉलेज जाती थी। कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे उसकी स्कूटी पंक्चर हो गई। वो परेशान सी स्कूटी खींचते हुए कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी, तभी निखिल ने अपना स्कूटर उसके करीब रोका और उसे स्कूटी वहीं खड़ी करके कॉलेज चलने के लिए कहा। शबनम सी पाखीजगी, गुलाबों की सुर्खी, फूलों सी नजाकत तुम्हारे लबों में है। शबनम सी पाखीजगी, गुलाबों की सुर्खी, फूलों सी नजाकत तुम्हारे लबों में है, और खामोश लबों की ये दास्तां बहुत खूबसूरत है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सिमरन की स्कूटी पंक्चर हो गई और वो उसे खींचते हुए कॉलेज एग्जाम्स के लिए जाने लगी। तभी निखिल ने स्कूटर उसके करीब रोका और उसे स्कूटी वहीं खड़ी करके कॉलेज चलने के लिए कहा। तब सिमरन की जान में जान आ गई। वो उसके पीछे स्कूटर पे बैठ गई। उसी समय वो रोमानी एहसास से गुजर रही थी जब कभी उसकी पीठ से उसका हाथ या कंधा छू जाता, उसके पूरे शरीर में झुनझुनी सी दौड़ जाती, उसके पूरे शरीर में झुनझुनी सी दौड़ जाती। कॉलेज आने तक उस पर एक अजीब सा खुमार छा गया था, एक अजीब सा नशा छा गया था। खैर, किसी तरह पेपर देकर जैसे ही बाहर निकली तो निखिल को गेट पे इंतजार करते पाया। धीरे धीरे सिमरन और निखिल की मुलाकातें बढ़ती गईं और वो करीब आते गए। लेकिन इसी बीच निखिल के पिताजी का अचानक देहांत हो गया और उसके पिताजी की जगह उसे दिल्ली में नौकरी मिल गई। वो लोग दिल्ली चले गए। इसके बाद सिमरन और निखिल की फोन पे बातें होती रहती थी, लेकिन बीच में काफी वक्त गुजर गया
उसकी तरफ से कोई खबर नहीं आई। क्या सिमरन दिल्ली जाकर निखिल से मिलती है? ठंडी हवाओं के दस्तक देते ही सलाइयों पे रंग बिरंगे फंदों के फिसलने का मौसम भी आ गया है, तो क्यों ना आप भी कुछ ख्याल बुने मोहब्बत के रंगों से, गर्म धागों के साथ गर्म एहसासात को कल्पनाओं के रंग दें और प्यार का खूबसूरत सा तोहफा बुने अपनों के लिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, सिमरन और निखिल की फोन पे बातें होती रही, लेकिन फिर काफी वक्त गुजर गया और उनकी बातें होना बंद हो गईं। सिमरन के मन में ख्याल आया कि वो दिल्ली जाकर देखे कि बात क्या है। फिर उसके मन में ख्याल आया कि शायद निखिल ने अपना घर बसा लिया होगा, क्यों उसके बसे बसाए घर में संदेह का बीज बोऊं। दोस्तों, अब सिमरन पे भी घर वालों का शादी के लिए दबाव बना हुआ था जिसे वो टालती जा रही थी। इस बीच उसे बैंक में नौकरी मिल गई जो उसके जीने का सहारा बन गई। एक दिन निखिल की बहन तीशा का मैसेज आया कि वो सिमरन से मिलने आ रही है। तभी एक आवाज आई, सिमरन तुम कैसी हो? इस आवाज से सिमरन अपने विचारों से बाहर आ गई। निखिल की बहन ने उसे पहचान लिया, उसकी मांग में सिंदूर भरा था। सिमरन उसके गले लग गई और निखिल को इधर उधर देखने लगी। तभी निखिल की बहन तीशा ने कहा, हसीनाओं की अदाएं, उनकी रेशमी जुल्फों का जादू, जो कभी शायर का ख्याल बने तो कभी दिलबर का ख्वाब, जिसे देख वो भी कह उठे, हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देख, इनको घटा कहूं तो घटाओं को क्या कहूं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, स्टेशन पे निखिल की बहन तीशा सिमरन से मिली और सिमरन निखिल को इधर उधर देखने लगी। तभी तीशा ने कहा, कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में निखिल भैया चल बसे, वो आपसे बहुत प्यार करते थे, मां उनसे आपकी शादी करने के लिए तैयार भी थीं, लेकिन निखिल भैया हम सबको छोड़कर चले गए। थोड़े दिन में मां भी चली गई। आपने अब तक शादी कर, ये कहते कहते तीशा रुक गई, क्योंकि सिमरन के गले में न मंगल सूत्र था न मांग में सिंदूर। निखिल उसे भूला नहीं था, उसके दिल में उसने जगह बना ली थी। दोस्तों, अब तो काफी अरसा गुजर गया है, निखिल की याद और तन्हाई को सहेली बनाकर जीने की अब सिमरन को आदत सी पड़ गई है। बस यूं ही चंद पंक्तियां लिखकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करती रही है सिमरन। तन्हाई में जीने का मजा कोई हमसे पूछे, तन्हाई में जीने का मजा कोई हमसे पूछे, किसी की याद में जिंदगी गुजारने का मजा कोई हमसे पूछे, अपनों और अपनी खुशियों के साथ तो सब जी लिया करते हैं, दिल पे गम का जाम रखकर जीना कोई हमसे पूछे। तुम्हारे चेहरे का नूर जाने कितने दिलों में मोहब्बत के अरमान जगाता है, तुम्हारे होठों को छूकर हर लफ्ज भी खूबसूरत बन जाता है, आसमान से उतरी परी कहे तुम्हें या ख्वाबों की ताबीर, जो भी हो मगर बहुत खूबसूरत हो तुम। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कहते हैं कि पहले प्यार का एहसास बहुत खूबसूरत होता है। रानी भी वो एहसास महसूस करना चाहती थी, वो भी अपने सपनों के राजकुमार को पाने की ख्वाहिश रखती थी, वो लव मैरिज करना चाहती थी ताकि शादी के पहले वो होने वाले पति को ठीक तरह से समझ सके। पर दोस्तों, चाहने से क्या होता है,
रानी की शादी उसके माता पिता की मर्जी के मुताबिक उससे 12 साल बड़े शख्स से कर दी गई। वो इस शादी के खिलाफ थी, पर बड़ों की मर्जी के आगे कुछ न कर सकी। न चाहते हुए भी उसे इस बंधन में बंधना पड़ा। वो नई नवेली दुल्हन बन मन में सबके प्रति कड़वाहट भर के ससुराल चली गई। रिश्तेदारों की मौजूदगी में नितिन को समझने का मौका ही नहीं मिल पाया। नितिन का जॉब रायपुर में था, शादी के फौरन बाद उन्हें ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा, इसलिए वो रायपुर चले गए। रानी का मन उचाट था, सोचा समय बिताने के लिए आगे की पढ़ाई जारी रख लूं। ससुराल वालों को भी एतराज नहीं था, लेकिन उसके पति, उससे 12 वर्ष बड़े नितिन ने उसकी पढ़ाई के बारे में क्या किया? शबनम सी पाकीजगी, गुलाबों की सुर्खी, फूलों सी नजाकत तुम्हारे लबों में है। शबनम सी पाकीजगी, गुलाबों की सुर्खी, फूलों सी नजाकत तुम्हारे लबों में है। तुम्हारे खामोश लबों की दास्तां बहुत खूबसूरत है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, रानी का मन उचाट था, सोचा समय बिताने के लिए आगे की पढ़ाई जारी रख ले। उसके ससुराल वालों को भी एतराज नहीं था। उसकी इच्छा देखते हुए नितिन ने उसका एडमिशन रायपुर में ही करवा लिया ताकि वो उसके करीब रह सके। रानी रायपुर चली गई। रानी का पति के प्रति व्यवहार कुछ खास अच्छा नहीं था। वो हमेशा गुमसुम सी रहती। फिर एक दिन नितिन ने उसे पूछा, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? तब रानी ने नितिन से पूछा, आपने मुझसे शादी क्यों की? अपने सवाल पे रानी का सवाल सुनकर नितिन हंसते हुए बोला, किसी न किसी से तो करनी ही थी, तो तुमसे कर ली। अच्छा, तुमने शादी क्यों कर ली? रानी ने जवाब दिया, मेरी मजबूरी थी। तब नितिन ने कहा, तो इसी तरह मेरी भी कोई मजबूरी रही होगी। फिर उसने रानी से पूछा, तुम किसी से प्यार करती थी? रानी ने जवाब दिया, नहीं, पर मैं करना चाहती थी। नितिन ने हंसकर कहा, तो समझ लो तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, आने वाली खुशियों को समेटो। नितिन की ये बातें रानी को प्रभावित कर गई। दिस इज दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, नितिन की बातों से रानी इंप्रेस्ड हो गई। शायद नितिन रानी के बचपने को समझ गया था। फिर भी रानी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए हॉस्टल में एडमिशन ले लिया। रानी हॉस्टल में और नितिन किराए के घर में रहने लगे। हफ्ते में एक दिन संडे को वो मिला करते थे। धीरे धीरे रानी को नितिन का साथ, उसकी बातें अच्छी लगने लगी। फिर जो होना था सो हुआ। रानी बड़ी बेसब्री से संडे का इंतजार करती थी। एक बार वो दोनों चिड़ियाघर देखने गए। वहां शेर की अजीबोगरीब हरकत देखकर रानी घबरा गई। नितिन ने उसे अपनी आगोश में भर लिया। नितिन का स्पर्श पाकर रानी पिघलने लगी। प्यार के पहले एहसास की छुअन रानी के मन को गुदगुदाने लगी। दोस्तों, उसके बाद रानी और नितिन अपने रिश्ते को किस तरह आगे ले जाते हैं, किस तरह मजबूत करते हैं। कांटों में उंगलियां चुभ ही गईं तो क्या हुआ, फूलों को सजा मत दो, फूलों को सजा मत दो, वो बड़े मासूम होते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, प्यार के पहले एहसास की छुअन रानी के मन को गुदगुदाने लगी और इस तरह हंसते मुस्कुराते घूमते फिरते कब 3 साल बीत गए पता ही नहीं चला। ये साल रानी की जिंदगी के सबसे
खूबसूरत साल थे क्योंकि उसे प्यार होने लगा था, वही प्यार जिसका उसे इंतजार था। उसका ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया था। अब उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। रानी को खुशी इस बात की थी कि उसके पति ही उसका पहला प्यार है। आज उन्हें साथ रहते हुए एक लंबा अरसा हो गया है। उम्र का अंतराल उनके प्यार के बीच बाधा नहीं बना, बल्कि नितिन की मैच्योरिटी से रानी की अल्हड़ता भी जाती रही। कभी मजबूरी से बना रिश्ता अब उनके प्यार की सौगात बन गया है। अपने प्यार के लिए रानी कुछ यूं कहना चाहेगी, मेरे स्वच्छ स्वच्छंद विचारों की अभिव्यक्ति हैं आप, मेरी भीनी भीनी कल्पनाओं की स्वीकृति हैं आप, दिल ने जिसे चाहा है वो हलचल हैं आप, बहुत सलोने बहुत प्यारे बहुत चंचल हैं आप ही बताएं बिना आपके कैसे जीऊंगी मैं, मेरे अंतर हृदय के दृष्टि पटल के चितवन हैं आप। ये दिल भरा नहीं आपके आने के बाद, ये दिल भरा नहीं आपके आने के बाद, और भी खाली हो गया, और भी खाली हो गया आपके जाने के बाद। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बरसात में हम पानी बनकर बह जाएंगे, पतझड़ में फूल बनकर झर जाएंगे। बरसात में हम पानी बनकर बह जाएंगे, पतझड़ में फूल बनकर झर जाएंगे। क्या हुआ आज तुम्हें इतना तंग करते हैं, एक दिन बिना बताए इस दुनिया से चले जाएंगे। उसने तो शायरी की चंद पंक्तियां सुनाकर सबकी वाहवाही लूट ली, लेकिन रीमा का दिल उन लफ्जों की आंच से धीमे धीमे पिघलने लगा। कई दिनों से वो रीमा का पीछा कर रहा था। वो रीमा को अपनी हरकतों से इस अंदाज से छेड़ता कि वो चाह कर भी कुछ न कह पाती। मन ही मन उसकी अदाएं बदमाशियां और उसका इस तरह से उसे छेड़ना अच्छा भी लगता, लेकिन रीमा ये बात उस पे जाहिर ना होने देती। एक दिन वो अचानक रीमा के सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, आखिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती हैं? मैं एक शरीफ और अच्छे घर का लड़का हूं, आपको पसंद करता हूं, इसलिए आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। आसमां गर तो आंचल होता, चैन से फिर उसके नीचे सोता। आसमां गर तो आंचल होता, चैन से फिर उसके नीचे सोता, दर्द भूल जाता कुछ देर के लिए, खुशियां का थोड़ा साथ होता। एक छांव हो जाती मेरी आंखों पे, सपनों में मैं थोड़ी देर खोता। बातें हो रही है दिल से, आपके दिल की गहराइयों से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, वो रीमा से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया और पलट कर चल दी। कई दिनों तक वो कोशिश करता रहा कि रीमा एक बार नजर उठाकर उसकी तरफ देख ले। मन तो रीमा का भी चाहता था कि सबकी नजरें चुराकर उसकी एक झलक देख ले, लेकिन एक अनजाना डर हमेशा उसे इस बात से रोक देता था। रीमा अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और नहीं चाहती थी कि उसका कोई भी गलत कदम उसे उनसे अलग कर दे। हालांकि उसकी लगातार रीमा के करीब आने और बात करने की कोशिशों से उसका दिल विद्रोही हो उठा था और बगावत करने पे उतारू हो गया था, लेकिन रीमा तो जैसे दिल की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। द फैक्ट इज दोस्तों, रीमा प्यार के झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी। इतना तो वो जानती थी कि खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका प्यार सही अंजाम तक पहुंचता है। रीमा प्यार का दर्द लेकर जीना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उससे दूर रहना ही ठीक समझा। पलकों के पीछे से बहकी बहकी निगाहों से कुछ पल दिल में समा गए, ऐसी ही बेईमानी करने पहले एक बार।
और अब बार बार पलकों के पीछे से बहकी बहकी निगाहों से कुछ पल दिल में समा गए। ऐसी ही बेईमानी करने पहले एक बार और अब बार बार ये बातें हो रही है दिल से। मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों एक दिन रीमा के पिता ने उससे कहा, रीमा आज एक पार्टी में जाना है जहां लड़के वाले आएंगे, मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों से मिलो, लड़के से भी बात करके देख लो, हमें जल्दी ही तुम्हारी शादी का फैसला करना है। रीमा ने भी अपने पिता की बात को सहमति देते हुए कहा, पापा जैसा आप ठीक समझें, मुझे पता है आपका फैसला गलत नहीं होगा। जब वो पार्टी में पहुंचे तो रीमा सबसे औपचारिक बातें करने में मशगूल थी कि तभी माइक पे आवाज गूंजी, अजनबी लोग भी देने लगे इल्जाम मुझे, कहां ले जाएगी तेरी पहचान मुझे, अजनबी लोग भी देने लगे इल्जाम मुझे, कहां ले जाएगी तेरी पहचान मुझे, भुलाना चाहूं तो भुलाऊं कैसे, भुलाना चाहूं तो भुलाऊं कैसे, लोग ले के बुलाते हैं तेरा नाम मुझे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जो चेहरा रीमा के सामने आया वो किसका था? जिंदगी के स्याह अंधेरों में तुम रोशनी की किरण बनकर आए, तुम्हारे मर्म स्पर्शी छुवन से मन में एक प्यास जगाई, तुम्हें देखा तो मन के आंगन में अनगिनत दीप छिल मिलाए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों जब रीमा अपने परिवार के साथ पार्टी में पहुंची तो वो सबसे औपचारिक बातें करने में मशगूल थी कि माइक पे आवाज गूंजी, अजनबी लोग भी देने लगे इल्जाम मुझे, कहां ले जाएगी तेरी पहचान मुझे, भुलाना चाहूं तो भुलाऊं कैसे, लोग ले के बुलाते हैं तेरा नाम मुझे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जो चेहरा रीमा के सामने आया वो उसका ही था। वो मुड़कर जाने ही लगी कि उसके पिता बोले, रीमा यही मधुर है जिसे हमने तेरे लिए चुना है, अब फैसला तुझे करना है। रीमा की आंखें छलक पड़ी, जब पलकें उठाकर उसे मुस्कुराते देखा तो वो रोते रोते मुस्कुरा उठी और अपनी किस्मत पे इतराने लगी, जिस प्यार को मैं ठुकरा रही थी वही मेरी किस्मत बन गया, जिस प्यार को मैं ठुकरा रही थी वही मेरी किस्मत बन गया, जिसे जुबां पे लाना मुश्किल था, जिसे जुबां पे लाना मुश्किल था, वो नाम मेरे माथे का सिंदूर मेरी तकदीर बन गया। तभी तो कहता हूं दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।